सेकंड में हाजिर हूँ आपके साथ उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कोरोना के अपडेट्स को लेकर। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 649 पहुंच गई है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने की घोषणा की है। इसी के साथ उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि वे इस लॉकडाउन में कोरोना को हराने में देश का साथ दें। बता दें इसका बड़ा असर उत्तर प्रदेश में हॉटस्पॉट घोषित किए गए इलाकों पर भी पड़ेगा। एक तरफ पीएम मोदी ने नियमों में और कड़ाई करने की बात कही है, वहीं प्रदेश के कई इलाकों में लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, लखनऊ के केजीएम में की गई कोरोना संक्रमण की जांच में मंगलवार यानी आज 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें से एक मरीज आगरा और 4 लखनऊ के। बता रहे कि लखनऊ के 4 मरीज जमातियों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए थे। वहीं सीधा ले चलते हैं आपको वाराणसी में, जहां आसपास के इलाकों में कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद मंगलवार यानी आज सुबह नगर निगम गोदौलिया चौक इलाके को पूरी तरह से सैनिटाइज करवाया गया। बता दें कि वाराणसी के मदनपुरा इलाके को सोमवार को ही कोरोना वायरस हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया था। इसके बाद भी मंगलवार सुबह लोगों में भारी लापरवाही देखी गई। सुबह सवेरे इलाके में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती नजर आई। काफी संख्या में लोग सड़कों पर घूमते रहे। तो इसी के साथ ले चलते हैं आपको आगरा में, जहां पारस अस्पताल में सोमवार को ब्रेन हेमरेज से एक कोरोना संदिग्ध महिला की मौत हो गई। उसके बाद देर रात रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर पता चला कि वह कोरोना संक्रमित थी। जिले में कोरोना संक्रमण से अब तक 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है। इसी सिलसिले में कानपुर में पकड़े गए विदेशी जमातियों के क्वारंटीन का समय आज पूरा हो रहा है। मेडिकल जांच में निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उन पर सिकंजा कसना तय। पुलिस ने सभी जमातियों को जेल भेजने की तैयारी में। तो चलिए इसी के साथ नजर आते हैं मुरादाबाद की तरफ, जहां तीर्थांकर महावीर मेडिकल यूनिवर्सिटी में मंगलवार यानी आज सुबह कोरोना संक्रमित 49 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं मरीज का इलाज कर रहे एक 39 वर्षीय डॉक्टर सहित 17 लोगों में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो ये थी कुछ जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या। आगे की तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए इंडिया 24 पर सवा लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।